एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बाराबंकी, बाप के गुजर जाने के बाद परिवार का पेट भरने के लिए 12 साल की मासूम बेटी सब्जी बेचने के लिए चला रही है ठेला। बाराबंकी जिले में एक 12 साल की मासूम बेटी अपने छोटे भाइयों और बहनों सहित 8 लोगों के परिवार को चलाने के लिए आज शहर की गलियों में सब्जी बेचने के लिए वह ठेला चला रही है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बीच मासूम मेहर जहां रात 2 बजे घर से निकलकर सब्जी लेने सब्जी मंडी जाती है और वहां से सब्जी खरीद कर ठेले पर उस सब्जी को बेचती है। मेहर बताइए, क्या रूटीन होता है, कैसे क्या करती हुई इस समय? 2 बजे मंडी जाते हैं, उठ के सवेरे आते हैं, ठेला लगाते हैं, फेरी बेचते हैं, लेते जाते हैं ठेला। अच्छा, तो कितना मेहनत करती है बाहर? बहुत मेहनत। ठेला चला लेती हो? हाँ, धीरे धीरे चला लेती। क्या 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 ले जाती हो, क्या क्या सब्जी में बेचती हो? सब सब्जी बेच। क्या? थोड़ी थोड़ी सब बेचते, पत्ता गोभी, धनिया मिर्चा, भिंडी सिंडी सब। आलिया बानो। कितने बच्चे हैं, कैसे परिवार चल रहा है इसमें? 4 बच्चे, 9-8 लोग हैं परिवार में। तो कैसे चल रहा खर्चा बने? पैसा चल रहा है, बच्चा ठेला ले जाते, छोटी है बाजार में, स्टेशन पर दुकान लग नहीं रही है, बाजार में फेरी बेचती है, जैसे कुछ लाती, थोड़ा बहुत 100-200 वही खर्चा चलाते हैं। कब खत्म हो गया आपके आदमी? तारीख को। हाँ, कितना समय हो गया? 5 महीने हो गए, 6 लगा। अच्छा। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बाराबंकी में कोरोना मुक्त घोषित होने के बाद जनपद को ग्रीन जोन मिलने से जनपद वासियों में खुशी का माहौल। पुलिस फोर्स के साथ जब पैदल गश्त पर एसपी और डीएम निकले तो लोगों ने बजाई तालियां। जिले में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने लोगों को राहत देते हुए ग्रीन जोन में घोषित कर दिया है, जिसके बाद जनपद वासियों में जबरदस्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आज जब जिले के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी और जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह जब शहर की गलियों से पुलिस फोर्स के साथ निकले तो लोगों ने उनको तालियां बजाकर स्वागत किया। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है, 3 मई तक जो थी है उसे 17 मई तक कर दिया गया है। उसी क्रम में आज हम लोग फ्लैग मार्च यहाँ पर किया है और सभी तहसीलों में भी जो उपजिला अधिकारीगण हैं और जो संबंधित थी उनके द्वारा भी किया गया है, थानों में भी किया गया है। तो यही आश्वस्त करने के लिए पब्लिक को कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस प्रकार का अभूतपूर्व सहयोग किया है सभी लोगों ने पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन का, वही सहयोग हमें और भी कुछ दिनों तक और चाहिए ताकि इस कोरोना वायरस के संक्रमण से हम सब बच सकें। सर, जिला ग्रीन जोन में है तो क्या 4 तारीख से कुछ रियायत देने का कोई विचार है सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर से निर्णय होगा, वो हमें कम्युनिकेट होगा, उसके बाद ही हम लोग उन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल मेरी अपील सभी से है कि लॉकडाउन जितनी सख्ती अनुशासन से हम लोग पिछले दिनों से अनुपालन करते आ रहे हैं उतनी ही सख्ती से और उतने ही अनुशासन से 17 मई तक भी हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करने लगता हूँ। देखिए, इस फ्लैग मार्च के मुख्य रूप से 2 प्रयोजन हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अनुशासित पुलिस बल है, जो सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, सभी लोग प्रोटेक्टिव गियर लिए हुए हैं अपने साथ। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस या मेडिकल विभाग या प्रशासनिक विभाग कितनी कठिन ड्यूटी कर रहे हैं पिछले
40 दिनों से अधिक समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरह से उसका पालन कर रहे हैं। तो हम नगरवासियों से भी चाहते हैं कि वो जब भी आवश्यक काम से भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, और जो कोरोना वायरस को हराने के लिए जो कारण बताए गए हैं, जो उपाय बताए गए हैं, उनका जरूर पालन करें। तो एक स्ट्रांग संदेश ये है। इसके अलावा हम नगरवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं एक और, कि हम उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। जिला प्रशासन और पुलिस लगातार प्रयासरत है, और ये भी उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो पालन नहीं करेंगे तो विधि की जो उपलब्ध धाराएं हैं उनके अंतर्गत कड़ी कार्रवाई भी उनके खिलाफ करने से पुलिस प्रशासन नहीं चूकेगा। सर, यो करते हैं पुलिस प्रशासन ने हम लोग को बचा कर रखा कोरोना से, और हम लोग उनके वजह से बचे, उनके उनके कारकार से बचे हुए हैं। उन लोग ने इतनी पाबंदी से ड्यूटी की, हम लोग आज उनके कर्म से कोई कोरोना वायरस बाराबंकी में नहीं है। धन्यवाद। जुबैर अहमद खान, प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनकी वजह से हम लोग सेफ जोन में बैठे हुए हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय जिनका पूरा सहयोग रहा बाराबंकी की जनता को बचाने में, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।